आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, अगला सवाल है, ट्रांसजेनिक प्राणी वे होते हैं जिनकी, विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कुछ कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, दूसरा विकल्प है सभी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, तीसरा विकल्प है सभी कोशिकाओं में बाह्य आरएनए होता है, चौथा विकल्प है कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए दोनों होते हैं। सवाल पे आने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि सामान्यतया डीएनए में परिवर्तन करके ट्रांसजेनिक प्राणी बनाए जाते हैं। इसमें खास बात यह रहती है कि ये जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन निषेचित अंडे में किए जाते हैं। जिससे जिस तरह से अंडे में विभाजन होता जाता है, यह परिवर्तन भी उसी तरह से हर कोशिका में पहुंचते जाते हैं। अपने सवाल पे आते हैं। पहला विकल्प दिया गया है कुछ कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, नहीं, हमने बताया सभी कोशिकाओं में होता है, इसलिए यह गलत है। अगला है सभी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, सभी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरा है सभी कोशिकाओं में बाह्य आरएनए होता है, गलत है। चौथा है कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए दोनों होते हैं, ये भी गलत है। इस तरह से हमारा उत्तर है सभी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।